एक नहीं दो नहीं दस बीस पचास इतने लेवल में आगे आ चुका हूँ और मैं स्टेप बैक मतलब लेवल को अंडू करना चाहता हूँ, मैं कितने लेवल कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ला रखा है जिसमें मुझे आइटम को डिस्प्ले कराना है तो कितने आइटम को डिस्प्ले करा सकता हूँ। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, पांच अमेजिंग फैक्ट्स एक एक करके ये रखता हूँ आपके सामने। फैक्ट वन, यहां पे मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया, आखिर मैं इस सिंगल सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को एंटर कर सकता हूं। आंसर है 32,767 कैरेक्टर। फैक्ट टू, आपके पास एक वर्कबुक है और सामने वाला अगर सवाल पूछता है कि इस वर्कबुक के अंदर कितने मैं वर्कशीट इंसर्ट कर सकता हूं तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट वन होता है, सब जानते हैं, लेकिन इट इज ओनली अवेलेबल बाय द लिमिटेड मेमोरी स्पेस। मतलब ये मेमोरी स्पेस वाली बातें आ गई, ये फिक्स नहीं होता है, इसलिए आपको डिप्लोमेटिक आंसर देके बाहर निकल जाना है। फैक्ट थ्री, मैं कुछ काम कर रहा हूं, काम करता ही जा रहा हूं, बहुत आगे बढ़ चुका हूं, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा हूं, अब मुझे स्टेप बैक लेना है तो अंडू करना चाहता हूं मैं, कंट्रोल जेड, एक दो तीन चार पांच छह, आखिर कितने? आपका आंसर 100 लेवल आप अंडू कर सकते हैं। फैक्ट फोर, मैंने कुछ काम कर लिया है और अब मैं इसको सेव करना चाहता हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां जो मैं नाम लिखूंगा फाइल का वो मैं कितना लेंथ इसका ले सकता हूं। आंसर 218 कैरेक्टर इंक्लूडिंग पाथ नेम। मतलब अगर ये फाइल आपका डी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है, इनोजेंट नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है और उसके अंदर माई फाइल एक और फोल्डर है और उसके अंदर जो आप फाइल का नाम रखोगे वो सारा इंक्लूड करके 218 कैरेक्टर ही होने चाहिए। फैक्ट फाइव, यहां पे मैंने फिल्टर पास कर दिया ऑल डी एफ एफ और मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने आइटम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं डिस्प्ले करा सकता हूं। आंसर है 10,000 आइटम ओनली, फर्स्ट 10,000 आइटम ओनली, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं ये टीनी फैक्ट्स आपको पसंद आया होगा, इस छोटे से वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बेहतर कल के लिए। और अब आज का वीडियो मैं यहीं पे लेता हूं साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। चलो मान लेते हैं कि जो बीत गया वो सबसे बुरा था, अब वो है ही नहीं तो उसका पछतावा क्या, लेकिन जो अब है मेरे पास वो तो बेहतर किया जा सकता है ना, इसलिए इतनी कोशिश तो जरूर करना कि जिंदगी के एक पड़ाव पे जब पहुंचो और अपने जिंदगी के पन्ने जब पलट के पीछे देख रहे हो तो खुद से नाराज नहीं, खुद पे नाज हो रहा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, यू नो जैन चैनल, थैंक यू, विल सी।